11 सितंबर 1893 ये तारीख है जिसमें सनातन हिंदू धर्म का नाम पूरे दुनिया में फेमस हो गया था, और ये इनकी वजह से हुआ जो कि थे स्वामी विवेकानंद। आखिर उन्होंने ऐसा अपने भाषण में क्या कहा था कि सभी लोग खड़े होके तालियां बजाते हैं। तो चलिए आज की शुरू में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। प्रथम दिवस सम्मेलन, धर्मसभा के अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स के दोनों ओर पूर्व के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपनी सीटों पर बैठे थे। उनकी बहुरंगी पोशाक चमकते कार्डिनल की पोशाक से प्रतिस्पर्धा करती दिख रही थी। हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधि के उस समुदाय में भारत के सबसे महान वक्ता श्रीमद स्वामी विवेकानंद अपने भगवा वस्त्र में सबसे आकर्षित लग रहे थे। सिर पर नारंगी बेल्ट बंधा होने के कारण उनका लाल मुकोटा बहुत सुंदर लग रहा था। कुछ अन्य प्रतिनिधियों के भाषण समाप्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद को दर्शकों के पास बुलाया गया और उनसे परिचय कराया गया, और फिर अपने गुरु को हार्दिक प्रणाम करते हुए स्वामी विवेकानंद ने दर्शकों को अमेरिका में मेरे भाई और बहनों के रूप से संबोधित किया, जो कि पहले उन्होंने कहा था कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। हालांकि इस भाषण का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, और कुछ क्षणों के लिए महान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसा की ऊंची आवाज़ से गूंज उठा। हॉल में मौन स्थापित होने के बाद स्वामी जी ने प्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान के उत्तर में निम्नलिखित संक्षिप्त भाषण दिया। अमेरिका में मेरी भाई बहनों, आज आपने जो गर्मजोशी और हार्दिक स्वागत किया उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। शब्द सुझाई नहीं देते, हृदय को अवर्णनीय आनंद से भर देते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संन्यास आपको धन्यवाद दे रहा है। मैं अनेक धर्मों का स्रोत सनातन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं आज पृथ्वी पर सभी जातियों और पंथों के लाखों हिंदुओं की ओर से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा इसी मंच से पूरब के प्रतिनिधि के बारे में बोलते हुए किसी प्रतिष्ठित वक्ता ने यह राय व्यक्त की है कि दूर देशों से आने वाले उनका प्रतिनिधि सहिष्णुता की भावना को सर्वत्र फैलाने के गौरव का पात्र हैं। मैं इन वक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसे धर्म में जन्म लेकर सम्मानित और गर्व महसूस करता हूँ जिसने पूरी दुनिया को लगातार सहिष्णुता और सभी मतों की स्वीकारता दोनों को प्रदान की है। हम न केवल गैर धार्मिक लोगों के प्रति सहिष्णुता है, बल्कि हमारी फर्म विश्वास है कि सभी धर्म सच्चे हैं। विश्वास मुझे उस जाति में पैदा होने पर गर्व है जिसने हमेशा किसी भी जाति और किसी भी पंथ के विरहितों का आश्रय दिया, जिन्होंने विदेशी उत्पड़े पीड़ित को द्वारा अपने देश से बाहर निकाल दिया गया। उसी वर्ष पवित्र मंदिर रोमनों के क्रूर अत्याचार से यहूदियों को धराशायी कर दिया गया। कुछ यहूदी जाति ने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जब वह आए तो मेरी अपनी जाति ने उनका हृदय से स्वागत किया। मैं उसी धर्म में पैदा हुआ हूँ जो गौरवशाली पारसी जाति के अवशेषों का आश्रय दिया और जो आज भी उनका भरण पोषण करता है, और जो मैंने भी की जैसा कि मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ उसी स्रोत से कुछ और आपके सामने उद्भूत करता हूँ। रुचि न वैचयत रुकुचिलत कुटिला नात प्रसुनतम नृणा एकुगम्यस्य तुमसी पयसीमा। जिस प्रकार अंतरम स्रोत से निकले वाली जल की विभिन्न धाराएं समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार रुचि के अनुसार अलग अलग सीधे या टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने वाले सभी रास्ते अंततः आप तक पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता में उद्घोष करते हैं ये कहा यथा यथा मपरदे तथैव भजाम्यहम् मम वत्म मना पार्थ सर्वस्वम्। यदि कोई किसी भाई की सहायता से मेरे पास आता है तो मैं उसी भाई के साथ उस पर दया करता हूँ। हे अर्जुन, जिन विभिन्न मार्गों में लोग व्यस्त हैं वह अंततः मेरे पास आएंगे। इस दिन की सभी धर्मों के भव्य प्रसिद्ध सार्वजनिक रूप से स्थापन कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण सर्व संपूर्ण विश्व के समक्ष धार्मिक गौरव स्वधार्मिकता और स्वधार्मिकता अर्थनकारी धरने ने लंबे समय से इस सुंदरता को लागू किया है। उन्होंने दुनिया में अनगिनत अत्याचार किए हैं और कई बार इस धरती को ईशान के खून से नहलाया भी है। उन्होंने कभी कभी संस्कृतियों को नष्ट करने का राष्ट्रों को हताश कर दिया। यदि ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन अब उनकी पेट भी पेट भर गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धार्मिक परिषद के सम्मान में आज सुबह जो घंटियाँ बजाई जाएगी वह सामुदायिक धार्मिक कट्टरता के धर्म के नाम पर हथियार या कलम से होने वाली सभी उत्पीड़न और अन्य की मौत की घंटी होगी। एक ही लक्ष्य और
अलग अलग तरीकों से जाने वाले व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की सभी भावनाएं। यही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में कहा था। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने जब तक शिकागो की धर्म परिषद खत्म नहीं होती तब तक उन्होंने क्या कहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।